अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार चटीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। हवा भी चली हुई है, हो सकता है आपके पास थोड़ा सा शोर शराबा हो। डोंट वरी, छोटी सी वीडियो, छोटी सी अपडेट दूंगा, फिर इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि आज जुमातुल मुबारक है सबको। सबसे पहले तो जुमातुल मुबारक, अल्लाह पाक ऐसी ही हज़ार हाँ हज़ार खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाता रहे और आप क्रिप्टो मार्केट से मिलियनेयरपति ट्रिलियनेयरपति भी बनते रहें। तो आ जाते हैं मेरे भाइयों, बात स्टार्ट करते हैं। जिस तरह के अभी मार्केट का सिनेरियो चल रहा है ना, जो मेरा ख्याल है कि अभी पूल मैच है। क्या है? पूल मैच है। आपने देखा है ना कि आप मैच खेलते रहे, तो मैं तो फिर छोटी मोटी कैप्टनी भी की है, ठीक है। आप एक बोलते होंगे हर जगह पे इन्होंने पंगा लिया है, ठीक है। तो आपने देखा है कि अक्सर पूल मैच होते हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल। अभी समझो कि क्वार्टर फाइनल, आप पूल मैच को छोड़ दें, अभी आप ना क्वार्टर फाइनल में आ गए हैं, इसके बाद सेमीफाइनल है, फिर प्यारे भाइयों अभी फाइनल, तो सारी चीज़ें भी बाकी हैं। यानी वो किस तरह कहते हैं कि अभी फिल्म बाकी है, क्योंकि मैं फिल्मों का आदी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलो आपको बता दे दो कि अभी फिल्म सारी बात है, अभी ट्रेलर है। मैं डे वन से बोल रहा हूँ, 35,000 पर, 40,000, 50,000 पर थी तो मैं बोल रहा था ये ट्रेलर है भाइयों, अभी भी ट्रेलर है ये, अभी ये कुछ भी नहीं गया। अभी समझा कि पंजाबी कहते हैं रुड़ दे बेरा था, कुछ नहीं गया। अगर अभी भी आपने एंट्री लेनी है ना, तो फिर समझो कि अभी कुछ भी प्राइस इसकी नहीं बढ़ी। अब सबसे जो बड़ी मैंने प्यारे भाइयों बात बतानी, दो बातें बतानी है, ठीक है, ठीक है, तीन चार छोटी छोटी। सबसे पहले तो यह कि कल छोटी सी डंपी आपको देखने को मिली, तकरीबन 600 मिलियन डॉलर से अबव जो ग्रे स्केल है उसको बिटकॉइन आ गए थे, उसने सेल करने थे, उसने कल सेल किए थे, ठीक है। ये डर दोस्तों अजान होने लगी थी, इसलिए मैंने अजान समाप्त फरमाई है। अच्छा, कल आपको पता कि छोटी सी डंपी लगी थी जिसमें 600 मिलियन डॉलर के ना तकरीबन ग्रे स्केल ने अपने सेल किए, जिसकी वजह से ना हल्की सी छोटी सी ना प्यारी सी आपको डंपी देखने को मिली, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, वॉल स्ट्रीट का किस किस ने नाम सुना, वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कर सकते हैं, ठीक है। USA की ब्रांड्स, ठीक है, उन्होंने भी अंदिया दे दिया है, साइन दे दिया है कि वो भी इसमें घुसने वाले हैं, जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है। इसके अलावा ब्राज़ील ने, आपको पता है वहाँ पे भी ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव्ड होने के ब्राज़ील में काफ़ी हद तक चांस है। बहुत बड़ा तो नहीं मैं कहता कि वॉल्यूम आएगा, लेकिन छोटे मोटे बिलियन जो है ना, वो 2-4, 20, 10, 20 बिलियन, वो तो ऐसे हंसते फिरते चलते फिरते आ जाएंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ी प्यारे भाइयों, मैंने पिछले दिनों में भी आपको एक अपडेट दी थी, ठीक है, कि USA की, ठीक है, तकरीबन 614 ट्रिलियन डॉलर की जो पेंशन वाले, ठीक है, हजरात हैं, वो भी सोच रहे हैं आगे सप्लाई। प्यारे भाइयों मैं डे वन से बोल रहा हूँ कि सप्लाई इतनी सारी रह गई है, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, जो गोल्ड है उसकी अनलिमिटेड सप्लाई थी, जिसकी वजह से उसकी प्राइस इतनी हाई लेवल पर नहीं गई। इसकी आपने देखा है कि सिर्फ अभी तकरीबन समझो आज के दिन तक 33 या 34 डेज हुए हैं ट्रेडिंग के, जब से ये ETF अप्रूव्ड हुआ है। वैसे तो पिछले महीने की 10 तारीख हुए थे ना, यानी जनवरी की, अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तकरीबन जो ट्रेडिंग के दिन गिने जाए ना, वो तकरीबन 30 से 35 डेज हैं। तो उसके हिसाब से प्यारे भाइयों इतना वॉल्यूम आ जाना अनएक्सपेक्टेड कि बंदा सोच के हैरान हो जाता कि यार इतना वॉल्यूम, ठीक है, विद इन वीक, विद इन मंथ। अभी सारी जो फिल्म है वो तो बाकी है, अभी फाइनल बाकी है, अभी क्वार्टर फाइनल है, अभी सेमीफाइनल होना, अभी फाइनल बाकी है, तो सारा का सारा वॉल्यूम आ गया। और सबसे बड़ी जो आपको मैं गुड न्यूज़ पहले ही दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने कानों की खिड़कियाँ खोल लें, अब हो सकता है आज या कल में, हो सकता है वीडियो जब आप समाप्त करें उस वक्त, बहुत जल्दी, ठीक है, सूनर लेटर, ठीक है, एक ऐसी कंट्री उभरती हुई चमकती हुई आप तमाम दोस्तों के सामने आएगी, जो खुल मुखुला, ठीक है, इसको बाय करने का इंदिया दे देगी कि हम इसको एज ए पेमेंट गेटवे, ठीक है, हम इसको या बाय करने लगे हैं बिटकॉइन को। अभी तक आपको पता है एलानिया तौर पर हुकूमती सतह पे किसी जगह पे भी नहीं इंदिया दिया गया कि हम इसको बाय करने लगे हैं बिटकॉइन को। जब एक कंट्री ने दिया तो पीछे यकीन जाने ETF की तरह ना लाइनें लग जाएंगी, ठीक है। तो लिहाजा प्यारे भाइयों अभी अभी आप सोच रहे हैं कि यार कल मैं बाय करूंगा, मैं परसों बाय करूंगा, तो फिर प्यारे भाइयों आप लोगों का अपना कसूर है। अभी भी खुदा की कसम अगर आप फ्यूचर में घुसे हुए हैं ना, तो फिर मैं कहता हूं कि अल्लाह ही है आप लोगों का दया दे। मैं तो समझा के थक गया हूं, मेरी तो समझो कि अच्छा चिट्टी हो गई है, जो पंजाबी कहते हैं ना चिट्टी हो गई है, ठीक है।
कलम लाई है भाई, अब चिट्ठी है, ठीक है। तो इसी तरह प्यारे भाइयों समझो कि चिट्ठी हो गई है, समझा समझा के इतने लोगों ने इन दिनों के अंदर लाश किए, इतने दिनों के लाश किया। कल तो इवन कि मैंने धक्के मुक्के से एक भाई को बुरा, मैंने कहा अल्लाह खबर है आपके पाप आपके पास थोड़े से रह गए, भेजिए मुझे दे दो, मैं सऊदी अरेबिया जाऊँगा, जा रहा हूँ इंशाल्लाह अगले मंथ में, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ना मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में रो रो के दुआएं मांगूंगा आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा, मुझे दे दो ये जो बच गए हैं थोड़े से, मतलब 5-10 हज़ार डॉलर में से को 500 हज़ार रह जाए तो फिर थोड़े से, ठीक है। मैंने कहा ये नहीं तो आपने ज़ाया करने हैं, सीखना भी कोई नहीं, पैसा भी नहीं बनाना, ज़ाया भी कर देने हैं, आप लोगों ने मुझे भी नहीं देने। मैंने कहा यार मुझे नहीं देने तो आपने मोहल्ले में जाओ किसी गरीब मस्किन का चूल्हा जला दो, हमारा मुल्क पाकिस्तान गरीब है, हमारे देखो ना हम लड़ लड़ के कब्र में चले जाते हैं, अस्पतालों में चले जाते हैं, हमारे जो लानती हुक्मरान हैं, ठीक है, अल्लाह पाक इनको हदायत दे, अगर इनको हदायत ना आए, आपने आमीन लिखना है, अल्लाह पाक इनको हदायत दे, अगर इनको हदायत ना आए तो इनका हाल फिरौन जैसे भी बदतर करे जो इन्होंने मुल्क पाकिस्तान का किया। आज देख लेना माइक्रो स्ट्रेटजी ने 4 से 5 बिलियन डॉलर के बाय किए थे, 6 बिलियन के, आज प्यारे भैया उसके डबल से ऊपर हो गया, आज तकरीबन 12-13 बिलियन डॉलर का वो अकेला मालिक बन गया। लेकिन हमारे वो इलेक्शन लड़ लड़ के अमीर हो जाते हैं, हम इलेक्शन लड़ लड़ के वो गरीब हो जाते हैं, और शादी कब्र में भी उतर जाते हैं, और अस्पतालों में भी, और जाकर थाने में भी धक्के खाते हैं। तो लादा करें भाइयों, कोशिश करें अगर आपके पास पैसा है फ्यूचर में ना ज़ाया करें, अल्लाह के वास्ते ना ज़ाया करें। कोई भी आप बिड्डा सा भी कोई लेकर आ देना, वो भी आपको इतना कुछ दे देगा कि आपने ख्वाबों में भी सोचा नहीं होगा, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, ठीक है। कोशिश करें अच्छा सा कोइन लें, ठीक है, टॉप 10 के कोइन में, टॉप 20 के, टॉप 30 के, इस तरह का टॉप 100 के कोइन में पकड़ें, चुप करके छोड़ दें यार, साल के लिए छोड़ दें, 1.5 साल के लिए छोड़ दें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी भी आपको समझ नहीं आई तो फिर अल्लाह ही है, आप लोगों को हदायत दें जो फ्यूचर कर रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, फ्यूचर वालों की टल्ली डेली के खड़काती है, डेली के मिलियन ऑफ डॉलर, कभी 200, कभी 300, कभी 400, कभी 500, जब भी पंप एंड डंप लगता है समझो कम से कम दोनों तरफ से ना 500-600 तक मिलियन तक, ठीक है, यानी 500-600 मिलियन या 1 बिलियन के राउंड बोर्ड जो उसने टली खड़का ली है, एक्सचेंजेस वालों ने पैसा बटोर लिया है, वेल्स ने पैसा बना लिया, आप लोगों को समझ नहीं आती प्यारे भाई, इतने वो बेवकूफ़ है आप लोगों का, इतना जल्दी पैसा बनाने के दिल है। बाकी आप लोगों को अगर शॉर्ट टर्म के लिए मिड टर्म के लिए प्रॉफिट मिले तो कुछ ना कुछ 25%, 50%, 30% आप प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करें, प्राइवेट बुकिंग लाजमी होती है अगर मिड टर्म के लिए, अगर लंबे टाइम के लिए तो फिर चल मारे, कोई टेंशन वाली बात ना ले। अभी ये ट्रायलर है, अभी ये क्वार्टर फाइनल है, ये मेरी बात याद रखिएगा, इस दफ़ा का फुल रन यूनिक होगा, लेकिन अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट लिए हुए हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छा अपना पैसा बनाने से रोक नहीं सकती। अगर आपने कचरा कुंडी इकट्ठा किया हुआ, ठीक है, तो फिर आपको कोई पैसा नहीं बनाने देगा। अगर आपके पास पैसा भी है ज़्यादा है, वो 10-20 हज़ार डॉलर है या इसकी अमाउंट है, फिर भी आप डरते हैं, ठीक है, आप लोगों का डर ख़त्म करने के लिए आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें, आप एक्स पे मुझे मैसेज करें, यानी ट्विटर पे मुझे मैसेज करें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल है उस पर मैसेज करें, हो सकता है मैं आपको अच्छा मशवरा दे दूँ, हो सकता है आपके लिए कोई ऐसा कैटेगरी हो जिसमें आपका डर भी ना हो, जिसमें आपको डर भी ना हो और आप अच्छा इन फ्यूचर पैसा भी बना लें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अल्लाह।